बोटादना नवराळा विस्तार में युवक की हत्या कर फायरिंग कर मोहसिन नामना युवक की हत्या कर फायरिंग कर आरोपी फरार था। जूनी अदालत में हत्या करी हो प्राथमिक अनुमान लगे। पुलिस घटनास्थले पहुंची कार्यवाही हाथ धरी है तो समग्र घटना बनी है। फायरिंग कर एक युवक की हत्या कर जूनी अदालत में हत्या करी हो विगत मिली रही है। समग्र घटना है बोटाद नवनाळा विस्तार की कि ज्या युवक की हत्या कर फायरिंग कर मोहसिन नामना आ युवक की हत्या कर फायरिंग कर आरोपी से फरार थी गया। जूनी अदालत में हत्या करी हो हाल तो पुलिस प्राथमिक अनुमान लगवायू है। समग्र विगत की जाण थता पुलिस घटनास्थले पहुंची थी ने तात्कालिक धोरणे कार्यवाही हाथ धरवामां आवी छे। युवक की हत्या करवामां आवी छे। अनुमान लगवामां आवी रह्युं छे के कोईपण जूनी अदालत में आ युवक की हत्या कराई है। संवाददाता राजू फोनलाइन पर जोड़ाया छे। राजू विगत मिली रही है बोटाद नवनाळा विस्तार में युवक की हत्या कर देवाई है, शू विगत? वक्ते बात करिए तो बोटाद शहर की अंदर नवनाळा विस्तार आएल है। आज विस्तार की अंदर एक मुस्लिम युवा जेनु नाम मोहसिन करीन है, गई काले मोड़ी रात्रि कोई अजाण्या शख्सो द्वारा बे के त्रण राउंड फायरिंग करी तेनी हत्या कर देवामां चौक्स से बात करिए तो सूत्रों पास थी मळती विगत मुजब आ एक दिवस अगाउ अथवा के कही सकते कि गई काले बोटाद पोलिस मथक की अंदर आ युवा ने त्रण शख्सो विरुद्ध की अंदर पुलिस फरियाद मारी नाखवानी धमकी नोंधावी थी और रात्रि के समय हत्या थाई है। चौक्स से खाली जूनी अदालत की अंदर जी हत्या थी होव हाल प्राथमिक विगत बहार आई है। जी बिल्कुल राजू, जानकारी बदल आभार।